साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब आपका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य, वहां पे कांग्रेस ने अरसे बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या कारण आपको लगते हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करके गई है? देखिए, हम लोग दोनों मिलकर हमने काम किया है, तो जो भी हमारे और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के बीच में जो दूरियां थी और जिसका फ़ायदा और लोग उठाते थे, उनको हमने समाप्त किया। समाप्त करने में कुछ तो लेन देन करना पड़ता है, उसमें किसने ज़्यादा दिया किसने कम दिया इस पे चर्चा लोग करते हैं, लेकिन अंततः तो हमारा साथ आना और उसका जो संदेश गया उत्तर प्रदेश में, उसके जो परिणाम आए हैं वो सब देखते हुए हमको यही मानना है कि हमने हमारे सही निर्णय किए, अच्छे निर्णय किए और हमने पार्टी और समाज के हित में वो निर्णय जो हमने किए उसके आज परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये ओडिशा में जो सलमान साहब हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में बीजेपी का उदय बहुत बड़ा है, तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छा करा है। नहीं, देखिए, जो अच्छा करा है और जहाँ जहाँ जो कुछ भी परिवर्तन आया है वो तो सबके सामने है, तो जहाँ परिवर्तन आया है वो आया है, और जहाँ नहीं आया है वहाँ नहीं आया है, और जहाँ बीजेपी का गढ़ था उत्तर प्रदेश में, वहाँ से वो लोग वहाँ पर उनको पीछे हटना पड़ा है, वो भी एक वास्तविकता है। तो ये तो हर चीज़ को देखिए, सिर्फ एक चीज़ को निकाल कर देख कर ये कह दीजिए कि अब ये होगा इस देश में, वो तो संभव नहीं है। मोदी जी अगर संतुष्ट हैं, जो भी उन्होंने किया है, जो कुछ पाया है उससे संतुष्ट हैं, तो उनको बधाई है, इसमें क्या समस्या है? सलमान साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि नीतीश बाबू आप लोगों के साथ आने की कितनी संभावना है? बीच में तो आप ही लोगों के साथ थे। देखिए, मैं किसी के राजनीतिक किरदार पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि राजनीति में परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोगों के निर्णय बदलते हैं, लोग कहीं से कहीं जाते हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं उचित समझता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो बधाई, ऐसा नहीं कुछ होता है तो हम संतुष्ट हैं,